हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी। 94.3 माय एफएम पर आप मुझे सुनते हैं 2 से 5 बजे तक यंगिस्तान शो में। और कल जयपुर में होने जा रहा है लेजेंड्स लीग, जिसके लिए हमारे जयपुर शहर में, गुलाबी शहर में, बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर आए हुए हैं। और कल मैच होने वाला है, जिसके लिए शहर में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और उनसे बात किया जाए जो कि कल हमें फील्ड में दिखने वाले हैं। सो अभी मेरे साथ हैं दिशांत याग्निक जी, जो कि राजस्थान टीम के फील्डिंग कोच हैं। सो दिशांत सर, सबसे पहले तो जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थैंक यू सो मच। जयपुर तो ऑलमोस्ट मेरा सेकंड होम जैसा ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, राजस्थान की कप्तानी भी की है रणजी ट्रॉफी में, तो बिल्कुल एक तरह से मेरा सेकंड होम ही है, और यहाँ पे जब भी आता हूँ मुझे अच्छा लगता है। सो अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब करी थी। देखिए, क्रिकेट में जब मैं एंटर हुआ तब एक्चुअली ये पूरे मेरे जो ग्रैंडफादर और मेरे फादर हैं उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि दे बोथ प्ले फॉर यूनिवर्सिटी, सुखर यूनिवर्सिटी के लिए खेले हुए हैं, और वो जीन्स मेरे अंदर पास हुए और वहीं से क्रिकेट की शुरुआत हुई मेरी। सर, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपको इतना टाइम हो चुका है, सो ऐसा कोई मोमेंट क्रिकेटर्स के साथ या फिर फील्ड पर जो आप कभी भूल नहीं सकते, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ की लर्निंग से रिलेटेड, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सारे मोमेंट होते हैं। मैं ऑलमोस्ट 17-18 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, 5 साल IPL खेला है, 6 साल से IPL का कोच हूँ, तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं कि अनफॉरगेटेबल हैं। लेकिन एक मोमेंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है कि देवधर ट्रॉफी का एक मैच था SMS स्टेडियम पे, और सौरव गांगुली सर जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लास्ट ओवर में बॉल डाली थी और 6 रन जीतने को चाहिए थे, और मैंने उस बॉल पे छक्का लगा के सेंट्रल जोन को जिताया था सेमीफाइनल। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैंने खुद को डिस्कवर किया कि मैंने खुद की एक आइडेंटिटी बनाई फर्स्ट टाइम, कि इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी लोग मुझे दिशांत याग्निक द लास्ट बॉल हिटिंग अ सिक्स के नाम से जानने लग गए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए। तो दिशांत सर, बिकॉज आप फील्डिंग कोच हैं राजस्थान के, और फील्डिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, सो कैसे आप खुद मोटिवेटेड रहते हैं और कैसे टीम को मोटिवेटेड रखते हैं? देखिए, जो तीनों अलग अलग स्किल्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्रिकेटर जो थर्ड स्किल होती है फील्डिंग, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको कम टाइम देते हैं। और लेकिन अगर आप क्रिकेट में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम एक प्लेयर बिताता है सिर्फ फील्डिंग में। बैटिंग में आप एक सर्टेन अमाउंट तक बैटिंग करते हैं, बॉलिंग में आपको सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं T20 में, लेकिन फील्डिंग आपको पूरे 20 ओवर करनी। तो वो अवेयरनेस जगाना किसी प्लेयर के अंदर, वो एक फील्डिंग कोच का काम है। और डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सिचुएशंस, प्रेशर सिचुएशंस में आपको कैसे हैंडल करना है, वो एक पिन पॉइंट की तरफ प्लेयर्स को ले जाते हैं हम। तो अभी बिकॉज बहुत सारे कह सकते हैं कि नए प्लेयर्स आ रहे हैं और स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, तो अब माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में करियर बनाए, सो उन प्लेयर्स को क्या आप एक इम्प्रूवमेंट की टिप देना चाहेंगे? देखिए, एक नहीं बोलूँगा मैं, 2 टिप बोलूँगा। सबसे पहले तो लाइफ में हार्डवर्क और हार्डवर्क हमेशा, आप बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं कि शॉर्टकट करके हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं, जो कि नामुमकिन है। देर इज़ नो शॉर्टकट। सो हार्डवर्क करेंगे, और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लें कि एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत अलग लेवल का प्लेयर हूँ, लेकिन आपके आसपास के लोग डेफिनेटली आपको एक आईना दिखा सकते हैं। तो वो एक सबसे बड़ी सीख दूंगा। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में हमेशा, लाइफ दो तरह की चीज़ देती है, आइदर लाइफ गिव यू लॉट ऑफ सरप्राइजेस और शॉक्ड, तो आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ शॉक के लिए रेडी हो तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ सरप्राइज के लिए रेडी हो तो आप इंप्रूव नहीं करना चाहते, तो आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर कल की मैच की अगर हम बात करें, तो इसके लिए अगर मैं गुलाबी शहर की बात करूं, तो यहाँ के लोगों में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है। अगर मैं टीम की बात करूं, तो आप लोगों की तैयारी किस तरह की चल रही है? देखिए, इंडियन कैपिटल्स जो कि लीग स्टेज में टॉप ऑफ द टेबल थी, हम लोगों को फर्स्ट क्वालिफायर में भीलवाड़ा की टीम को भी हराया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि T20 में हर एक प्लेयर का रोल होता है, हर प्लेयर को एक डेजिग्नेटेड रोल दिया जाता है, और वो रोल किस तरह से हमने निभाया है वो दिख गया फील्ड पे। तो डेफिनेटली कल बहुत बड़ा दिन है, लेजेंड प्रीमियर लीग का Season 2 है जिसमें फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व हुई हैं, जिस तरह से लोगों ने सोचा था उससे बड़ा ये शो टाइम है लोगों के लिए। और जयपुर की पब्लिक हमेशा से ही दो, जैसे हम बोलते हैं कि राजस्थानी लोगों में आओ भगत करते हैं मेहमानों की, तो दोनों हाथों से स्वागत किया इस लीग का जयपुर ने और जोधपुर ने।
तो मुझे लगता है कि जैम पैक स्टेडियम रहने वाला है, फुल हाउस रहने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है और एक जबरदस्त फाइनल होने वाला है। डेफिनेटली। सो कल के मैच के लिए ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगी कि जरूर आए और वहां पर खुद आके एक्सपीरियंस करें, लेजेंड्स को खेलता हुआ देखें, वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होगा। सो अभी एक आखिरी सवाल कि क्या एक मैसेज अपनी तरफ से आप उन सारे लोगों को यहाँ पर देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं सब जितने भी दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं हमेशा सोशल मीडिया पे जुड़ता ही रहता हूँ, लाइव जाता ही रहता हूँ, इन लोगों से मेरी बस एक ही विनती है कि भारी नंबर में प्लीज़ आएँ और ये मैच लेजेंड क्रिकेट लीग का जो मार्जिन है, अब पहले शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अब सबको लग गया है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तो प्लीज़ कम इन द बिग नंबर्स, सपोर्ट इंडिया कैपिटल्स एंड होपफुली वी वन आवर फर्स्ट टाइटल। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।